गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व की। चलिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है इस पर हमने बात की थी, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं होती है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाला जो बालक होता है उसमें केवल आयु का ही अंतर नहीं होता, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक बहुत सारे अंतर होते हैं। अतः उनका परंपरागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित है, मतलब गलत है। वस्तुतः उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन करना चाहिए। हमें कैसे करेंगे हम उनका विभाजन? तो कह रहे हैं कि आप ऐसा करना चाहिए, समरूप समूह जो होते हैं मतलब होमोजीनियस ग्रुप जो होते हैं उनमें उनकी विभिन्नताओं के अनुसार विभाजन करना चाहिए। अगर अब दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन आता है भाई सर्वोत्तम विभाजन किसके आधार पर हो सकता है, तो हम बात करते हैं सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। अमेरिका के अधिकांश स्कूलों में इस प्रकार का विभाजन है, इस पर हमने बात की है। फिर देखेंगे और क्या है भाई। एक और लाइन कही जाती है, क्रो एंड क्रो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर एक बात कहते हैं, उपयोगिता पर एक बात कहते हैं कि विद्यालय का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त तो शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। अब चलिए अब बात करते हैं उपादेयता की। उपादेयता के अंतर्गत बात करते हैं हम शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, ठीक है। फिजिकल डिफिक्ट जो होता है उसकी तरफ हमारा क्या अटेंशन है। देखिए जैसे आधुनिक शिक्षा की ये मांग है कि कोई भी बालक अगर शारीरिक दोषों से युक्त है, असमर्थता है, तो हमें उसकी ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, उसकी शिक्षा की ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपनी आवश्यकता के अनुकूल जो शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है उससे वंचित ना रह जाए। इस संबंध में स्किनर ने 4 सुझाव दिए हैं। देखिए कौन कौन से दिए। पहला दिया है जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए। दूसरा सुझाव है निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के जो घंटे हैं वो निश्चित कर दिए जाएं। तीसरा है प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए। और चौथा उपाय है प्रत्येक विद्यालय में एक डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, एक काउंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए। चलिए ये हमने बात की थी शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान की। अब हम बात करते हैं आर्थिक सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा की, कि आर्थिक और सामाजिक दो दशाएं होती हैं उनके अनुसार कैसे। अब देखो कक्षा कक्ष में जब भी विद्यार्थी आता है, भिन्न भिन्न परिवारों से आता है, सबकी परिवार की जो स्थिति रहती है, स्तर जो रहता है वो अलग अलग रहता है। बालकों के परिवार की आर्थिक और सामाजिक दशाएं, उनके विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकताएँ आदि में भेद उत्पन्न कर देती हैं। इस भेद को हमें ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी। ऐसा करना करने से उनको प्रदान की जाने वाली शिक्षा का निरर्थक सिद्ध होना स्वाभाविक है। तो आर्थिक और सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर देखेंगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, मतलब डिफ्रेंशिएशन इन करिकुलम या करिकुला। तो अब देखेंगे यहाँ क्या होना चाहिए। देखिए हम ऐसा मान के चलते हैं जब हमने शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था पढ़ा था, बाल विकास के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने बात की थी कि विभिन्न आयु के जो बालक और बालिका होते हैं, अलग अलग आयु के मतलब विभिन्न आयु के, उनकी रुचियों में, उनके रुझान में, उनके अभिवृत्तियों में, उनकी आकांक्षाओं में बहुत अधिक अंतर होता है। इसके लिए अगर हम सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण कर दें तो ये इनके प्रति अन्याय होगा। अतः पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छानुसार विषय चयन करने में कठिनाई ना हो। इस विचार के समर्थन में स्किनर ने लिखा है कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, भाई कोई भी कारण हो सकता है, रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, रुझान, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, किसी भी प्रकार का कोई भी भेद हो सकता है, लेकिन बालकों की विभिन्नता के जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए, मतलब
अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। फिर देखेंगे, अब हम इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके एक शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बात समझने का प्रयास करते हैं कि एक शिक्षक शैक्षिक निर्देशन द्वारा, उपयुक्त विषयों और व्यावसायिक निर्देशन द्वारा सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने के लिए बालक को अपूर्ण सहायता दे सकता है। स्किनर महोदय भी ये कहते हैं कि यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसे सब बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत भेद के स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये हमने अब बात की थी यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या शैक्षिक महत्व है, मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर हमने बात की थी। आप जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम रीड के दृष्टिकोण से बनाएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको दो दो नंबर दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।